हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। और दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2019, तो मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से ले आया हूं डेली करंट अफेयर वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कहां पर भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास किया जा रहा है? जी हाँ, उत्तरकाशी जनपद के चीन सीमा से सटे हुए चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर वायुसेना द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। वहां पर वायुसेना द्वारा MI-17 हेलीकॉप्टर में अभ्यास किया जा रहा है। यह अभ्यास 14 अक्टूबर तक चलेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गागली युद्ध किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, गागली युद्ध जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर के उदपाल्टा और कुरोली गांव से संबंधित है। यहाँ पर लोग उस दिन गागली यानी अरबी के डंडों से लड़ते हैं दशहरे के दिन। इसके पीछे एक किंवदंती है जो कि आप नेट पर जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गागली का अर्थ क्या है? तो गागली का अर्थ होता है अरबी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में किस स्थान पर चीन की तर्ज पर कांच के पुल से गंगा का नजारा दिखाई देगा? तो जी हाँ, हरिद्वार में चीन की तर्ज पर एक कांच का पुल बनाया जाएगा। इसकी जानकारी कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत जी ने दी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सन 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होना है। तो हरिद्वार में चंद्रभागा नदी पर एक कांच का पुल बनाया जाएगा, 50 मीटर लंबा। इस पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने वन लाइनर की तरफ। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 15 अक्टूबर को और राजाजी नेशनल पार्क 15 नवंबर से दर्शकों के लिए खोला जाएगा। तो प्रश्न जिम कॉर्बेट से या राजाजी नेशनल पार्क से पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारा वन लाइनर है वो है, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले T20 और वनडे मैच की सीरीज की मेजबानी देहरादून को मिली है। सभी मैच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में होंगे। अगला हमारा और आज का अंतिम जो वन लाइनर है उत्तराखंड से वो है, BCCI ने उत्तराखंड के अंडर 19 प्लेयर स्पर्श जोशी की जन्मतिथि के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें 2 साल का बैन लगा दिया है स्पर्श जोशी पर। तो दोस्तों, इस बार देखिए क्रिकेट से संबंधित प्रश्न आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी हो रही है। बीसीसीआई ने उत्तराखंड की जो क्रिकेट एकेडमी है उसको मान्यता प्रदान किया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में अपने सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास हिम विजय आयोजित किया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास हिम विजय आयोजित किया जा रहा है 7 अक्टूबर 2019 से। यह युद्धाभ्यास 3 युद्ध समूह में आयोजित होगा और यह 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। इसका दूसरा चरण 20 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर को होगा। यह युद्धाभ्यास 14,000 फुट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर 2019। यह विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में आयोजित कर रहा है 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में। कपास एक शुष्क प्रतिरोधी फसल है। अब आपको बताना है कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में इस समय केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती ईरानी भी जिनेवा गई हुई है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पशुओं की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा में पशु बलि की परंपरा लगभग 500 वर्ष पुरानी है, जिसे त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिया है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का कहना है कि जानवरों की बलि देने की परंपरा को संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत संरक्षित नहीं किया जा सकता। अब आपको बताना है कि संविधान का अनुच्छेद 25(1) क्या है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाना है। इसकी शुरुआत स्त्री रोग विशेषज्ञ हेनरिक जिमरसन ने की थी 24 मार्च 1925 को बर्लिन जर्मनी के स्पोर्ट्स पैलेस में। पहला विश्व पशु दिवस मनाया गया है, लेकिन साल 1929 में पहली बार इस कार्यक्रम को 24 मार्च की जगह 4 अक्टूबर को किया गया है। तो तब से 4 अक्टूबर 1929 को ही विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी अवश्य कर रहे होंगे। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।